दोस्तों नमस्कार। वो देश के किसी भी न्यूज चैनल पर काम करे, उसका नाम ही काफी है टीआरपी दिलाने के लिए। वो खूबसूरत तेजतर्रार एंकर होने के साथ साथ उतनी ही चालाक भी हैं। खबरों को कैसे प्लांट करना है, प्लांट करके उन्हें दर्शकों तक कैसे बेचना है, इस हुनर में वो माहिर मानी जाती हैं। वो बेहतरीन ग्राउंड रिपोर्टिंग करना जानती हैं। वो देश के हर छोटे बड़े मुद्दे को महीन तरीके से देखना जानती हैं। वो बेहतरीन तरीके से बेबाकी से अपनी बात को रखना भी जानती हैं, बेहतरीन डिबेट भी करना जानती हैं। मगर 2014 के बाद उसने इस तरह की उसके अंदर जितनी भी खूबियाँ थी उनकी तिलंजलि दे दी। सत्ता परिवर्तन जब नहीं हुआ था उस वक्त इस मोहतरमा को देश की जनता खूब पसंद किया करती थी। ये जिस भी चैनल पर अपना शो लेकर आती थी वो कुछ महीनों में ही हिट हो जाता था। उस चैनल पर बहुत ज़्यादा टीआरपी आने लगती थी। लेकिन जैसे ही सत्ता बदली तो इन मोहतरमा की पत्रकारिता भी बदलने लग गई। कह सकते हैं कि मजबूरीवश इन्होंने अपनी पत्रकारिता को एक अलग ही रंग दे दिया है। यानी कि जो इनके आका, जो इनके चैनल मालिक ने कहा होगा वही इन्होंने पत्रकारिता करना शुरू कर दी। अब ये बेहतरीन पत्रकार नहीं कही जाती बल्कि सत्ता की प्रवक्ता मानी जाती हैं। इनके डिबेट में जो भी प्रवक्ता आते हैं, जो भी लोग आते हैं, वो कभी ना कभी तो इस बात का जिक्र ज़रूर करते हैं कि मैडम आप बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रही हो, मैडम आप बीजेपी के प्रवक्ता हो, आप मोदी को सपोर्ट करने वाली हो। यानी कि सीधे तौर पर इतने ब्लेम, इतने आरोप इन मोहतरमा पर 2014 के पहले कभी नहीं लगा। किसी प्रवक्ता ने नहीं कहा कि आप कांग्रेस की प्रवक्ता हो, आप कांग्रेस की तरफ से बैटिंग करती हो। लेकिन 2014 के बाद इन्हें बीजेपी परस्त एंकर कहा जाने लगा। आप समझ सकते हो कि बेहतरीन पत्रकार जो थी उन्होंने कैसे अपनी पत्रकारिता की धार को बौठी कर ली। ये रवीश कुमार के बराबर हो सकती थी, बेहतरीन नाम आज इनका होता, मगर आज दरअसल इन्हें पत्रकार कम, सरकारी एजेंट ज़्यादा कहा जाता है। किस मोहतरमा की बात कर रहे हैं हम, आप समझ ही गए होंगे, थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। चलिए इनकी पत्रकारिता और इनकी निजी जिंदगी पर एक नज़र डाल लेते हैं। वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, बड़ा शानदार वीडियो है। तो दास्ता प्रोग्राम में आज अंजना ओम कश्यप की कहानी। पत्रकारिता के धर्म को जब बिजनेस मॉडल में बदला जाता है तो सत्ताधीशों की जी हुजूरी इस धंधे में आम बात हो जाती है। देश का 99.9% मीडिया इसी बिजनेस मॉडल के मकड़जाल में उलझकर पत्रकारिता को पेट कारिता में तब्दील कर चुका है। तमाम एंकर दिन भर सरकारी खबरें बेचने का काम कर रहे हैं। खूबसूरत चेहरों के साथ टीवी स्टूडियो में एंकरायनों की भी भरमार आप देख सकते हैं, मगर पत्रकारिता से इनका दूर दराज तक कोई रिश्ता नजर नहीं आता। एक ऐसा ही नाम है अंजना ओम कश्यप का। आज तक की तेज तर्रार एंकर कही जाने वाली अंजना ओम कश्यप एग्जीक्यूटिव एडिटर भी है। इसी के चलते अन्य एंकरों से ज्यादा उनका आज तक पर दबदबा देखा जाता है। अंजना की पत्रकारिता 2014 से पहले सही दिशा में उड़ रही थी। इसी के चलते उन्होंने कम समय में बेबाक शैली और तीखे सवालों से दर्शकों को बीच में काफी लोकप्रियता हासिल कर ली थी। जी न्यूज, न्यूज 24, स्टार न्यूज जो अब एबीपी न्यूज हो चुका है, जब भी वो शो लेकर आती थी लोग टकटकी लगाकर उनके शो को देखा करते थे। अंजना को एक ईमानदार और बेहतरीन पत्रकार के तौर पर भी जाना और पहचाना जाने लगा था। मगर 2014 के बाद सत्ता परिवर्तन होते ही तमाम मीडिया घराने कंट्रोल होने लगे, सत्ता के हाथों की कठपुतलियां बन गए। बड़ी आसानी से इन्होंने गुलामी स्वीकार कर ली। मीडिया घरानों के लालची और डरपोक मालिकों ने सत्ता की गोद में बैठकर पत्रकारिता करना ही अपना लक्ष्य समझा और फिर लग गए सरकारी प्रचार में। ऐसे में देश का सबसे बड़ा टीआरपी किंग कहे जाने वाला आज तक चैनल भला कैसे अछूता रहता। बेहतरीन पत्रकारिता करके लोगों का भरोसा जीत चुका आज तक भी सत्ताधीशों के आगे नतमस्तक हो गया और मालिक ने अपने यहाँ काम करने वाले तमाम पत्रकार, एंकर और एंकराइन को चारण भाट में बनाने के लिए एक कोशिश शुरू कर दी। यानी कि सीधे तौर पर कह सकते हैं कि चैनल के मालिक के द्वारा तमाम पत्रकारों को सरकारी पत्रकारों में तब्दील कर दिया और इसी के चलते तमाम एंकर फिर मोदी 40 में
लग गए जिसमें अंजना ओम कश्यप भी शामिल है। आज अंजना ओम कश्यप को काफी लोग देखते हैं लेकिन उन्हें ईमानदार पत्रकार फिर भी नहीं कहते हैं। सोशल मीडिया पर उनके नाम पर बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी जिसमें सीधे तौर पर मोदी की गुलामी, सत्ता की चाटुकारिता जैसे शब्द उनके लिए आज इस्तेमाल होने लगे हैं। लेकिन 2014 के पहले अंजना ओम कश्यप एक बेहतरीन पत्रकार के साथ साथ एक बेहतरीन ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाली एंकराइन और कह सकते हैं कि अच्छी रिपोर्टर मानी जाती थी। लेकिन आज उनकी पत्रकारिता पर कहीं ना कहीं लोग लानत भेजते हैं। चलिए अब उनकी निजी जिंदगी पर भी हम एक नजर डाल लेते हैं। अंजना ओम कश्यप का जन्म 12 जून 1975 को रांची झारखंड में हुआ था। वर्तमान में उनकी उम्र 46 ईयर ओल्ड है। अंजना ने स्कूली शिक्षा लोरेंटो कॉन्वेंट स्कूल रांची से पूरी की है। उसके बाद उन्होंने पीएमसी यानी कि प्री मेडिकल टेस्ट की तैयारी की मगर उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। ग्रेजुएशन के लिए वो दिल्ली के दौलतराम कॉलेज चली आई। यहाँ से उन्होंने वनस्पति विज्ञान में डिग्री ली। उसके बाद उन्होंने यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने की सोची मगर फिर भी उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी, वो नाकाम ही साबित हुई। दिल्ली के स्कूल ऑफ सोशल वर्क्स में भी उन्होंने डिग्री ली है। इसके बाद उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की डिग्री ली। वैसे अंजना ओम कश्यप ने एक बार बताया था कि वो डॉक्टर बनना चाहती थी क्योंकि उनके पिताजी भी डॉक्टर थे, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए वो कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो पाए। अंजना के पिताजी रक्षा अधिकारी बताए जाते थे, उनका नाम डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी था। माँ के बारे में कोई ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है लेकिन एक भाई और एक बहन भी अंजना ओम कश्यप के बताया जाता है। अब बात कर लेते हैं अंजना ओम कश्यप की प्रेम कहानी की। तो अंजना ओम कश्यप जब दौलतराम कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी तभी वो संपर्क में आई मंगेश कश्यप से। मंगेश कश्यप और अंजना ओम कश्यप के बीच में काफी लंबे समय तक डेटिंग चलती रही, एक दूसरे से मिलते जुलते रहे। फिर उन्होंने 1995 में दोनों की राज्य से शादी कर ली। अंजना के पति दिल्ली पुलिस में आईपीएस अधिकारी रहे हैं। अंजना और मंगेश को एक बेटा और एक बेटी भी जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। अब करियर की बात कर लेते हैं तो 2003 में दूरदर्शन से जुड़ी यहां पर आंखों देखी प्रोग्राम से उन्होंने शुरुआत की। दूरदर्शन को छोड़कर वो जी न्यूज में चली आई जहां पर उन्होंने 5 साल के तकरीबन डेस्क पर काम किया। उसके बाद उन्हें एक प्रोग्राम मिला स्पेशल रिपोर्ट जिसका वो हिस्सा बने। अंजना ने एंकरिंग जी न्यूज के साथ ही शुरू की थी, जागो इंडिया नाम का एक प्रोग्राम लेकर आई। उसके बाद जी न्यूज को उन्होंने छोड़ दिया, फिर वो जुड़ गई न्यूज 24 से। यहाँ पर वो दो टुक प्रोग्राम लेकर आती थी। फिर 4 साल बाद उन्होंने स्टार न्यूज जो अभी एबीपी न्यूज के नाम से जाना पहचाना जाता है उससे वो जुड़ गई। उसके बाद तो आपको पता ही है वो आज तक आ गई और आज तक में उन्होंने अपनी एंकरिंग का करिश्मा दिखाना शुरू किया। उसके बाद उन्हें उनके काम के बदौलत से एग्जीक्यूटिव एडिटर भी बना दिया गया है। अभी आज तक पर वो 2 प्रोग्राम लेकर आती है, एक हल्ला बोल और कभी कभी स्पेशल रिपोर्ट के तौर पर भी। अब उनके विवाद के बारे में बात कर लेते हैं कि अंजना ओम कश्यप कब विवादों में रही है। तो अंजना ओम कश्यप एक बार एंकरिंग करते हुए भूल बैठी थी कि उन्हें अंजना ओम कश्यप बोलना है। उन्होंने सडनली बोला था अंजना ओम मो, यानी कि वो कहीं ना कहीं मोदी के नाम को अपने साथ जोड़ना चाहती थी। उस समय काफी ज्यादा वो ट्रोल हुई थी। 2012 में दिल्ली गैंगरेप के मामले में वो रात के टाइम पर रिपोर्टिंग कर रही थी। उसी समय उन्हें कहीं ना कहीं कुछ मनचले मिले और वो उनसे छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही थी और वो मनचले कैमरे में भी कैद हुए थे। उस समय भी काफी ज्यादा सुर्खियां अंजना ओम कश्यप ने बटोरी थी। शादी के बाद भी अंजना ओम कश्यप विवादों में घिरी रही है। अपने पति मंगेश कश्यप को दिल्ली नगर निगम का मुख्य अफसर जब बनाया गया तो लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया था कि अंजना ओम कश्यप के पति को उनकी भक्ति के चलते इनाम मिला है, कहीं ना कहीं सत्ताधीशों से अच्छे उनके टर्म्स से इसलिए उन्हें ये फायदा मिला है। अब उनके पुरस्कार की बात कर लेते हैं। वैसे एक चीज आपको बता देते हैं कि अंजना ओम कश्यप विवादों में तो कई मर्तबा रही है लेकिन वो छोटी छोटी बातों को लेकर विवादों में रहती है, उसका इसमें जिक्र करना बेहतर नहीं समझते हैं। पुरस्कार की बात करें तो बेस्ट रिपोर्टर ऑफ द ईयर का मिल चुका है, आईटीए द्वारा सर्वश्रेष्ठ एंकर का मिल चुका है, ईएनबीए द्वारा सर्वश्रेष्ठ एंकर अवार्ड 2015 में मिला,
फिर इंडिया टुडे चेयरमैन एक्सीलेंट अवार्ड भी इन्हें मिला है, यानी कि अवार्ड बहुत सारे इन्हें मिल चुके हैं। अब इनके अगर हम संपत्ति की बात करें, वेतन की बात करें, तो इस बारे में मैं क्लियर नहीं हूं। तकरीबन 1 करोड़ सालाना ये रुपये कमाती होगी, ऐसी जानकारी सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएगी। शौक की बात करें तो इन्हें किताबें पढ़ना, खाना बनाना, घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है, और इन्होंने कुछ फिल्मों में भी काम किया है पत्रकारिता के तौर पर, सुल्तान और एक था टाइगर वगैरह में। लेकिन सीधी सी बात, अंत में हम यही कहेंगे अंजना ओम कश्यप के लिए कि इनकी पत्रकारिता में जो धार थी वो अब बौठी हो चुकी है। 2014 के पहले अंजना ओम कश्यप की पत्रकारिता को काफी ज्यादा लोग पसंद करते थे, लेकिन अब वही लोग अंजना ओम कश्यप को ट्रोल करते हैं, अंजना ओम कश्यप को कहते हैं कि अब इनकी पत्रकारिता बिल्कुल खत्म हो चुकी है, इनकी पत्रकारिता सिर्फ अब सत्ताधीशों के लिए हो रही है। वैसे भी आप सभी को पता है कि जो चैनल का मालिक करवाता है वही एंकरों को करना पड़ता है। कुछ इसी तरह की स्थिति इस देश के तमाम एंकर और एंकराइन की है। वो बेहतरीन पत्रकारिता कर सकते हैं, वो बेहतरीन रिपोर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप सभी को पता होता है कि अगर इस तरह की वो पत्रकारिता करने लगे तो चैनल मालिक उन्हें आउट ऑफ कर देंगे और उन्हें नौकरी से निकाल देंगे। इसलिए अपने नौकरी बचाने के चलते सत्ताधीशों के डर के आगे इन्हें सत्ताधीशों की गुलामी करना अब बेहतर लगता है। इनकी पत्रकारिता सरकार से शुरू होती है और सरकार के प्रोपेगंडा पर खत्म हो जाती है। अंजना ओम कश्यप और भी बेहतरीन पत्रकार हो सकती थी, उनका नाम भारत के बेहतरीन पत्रकारों में लिया जा सकता था, लेकिन अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ सरकारी पत्रकार के तौर पर देखा जाता है। ये उनके लिए भी दुखदायी है और बेहतरीन पत्रकारिता के लिए भी कहीं ना कहीं दुखदायी है। एक पत्रकार को इस तरह से बदल जाना, एक पत्रकार की बेहतरीन पत्रकारिता सत्ताधीशों की चालीसा में गुजर जाना अपने आप में शॉक्ड कर देने वाला है। यह था छोटा सा वीडियो, कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।